होली के त्योहार पर पर्यावरण की सुरक्षा के साथ परंपरा भी ना टूटे इसको लेकर एसडीएम ने दिया जोर। हरे भरे पेड़ों को ना काटने को लेकर भी सभी विभागों को किया सचेत। नगर पालिका और वन विभाग होलिका दहन के लिए लकड़ी उपलब्ध कराएगी। शहर में लगभग 200 स्थान पर होगा होलिका दहन का आयोजन। त्योहार को देखते हुए अपन बात कर लेते थे, शहर में अनेक वो स्थानों पर होली लगाई जाती है, पर कुछ बच्चे कुछ ऐसे लोग हैं जो हरे भरे पेड़ काट कर होली मिला रख रहे हैं, उनके लिए हम किस तरीके की व्यवस्था के इंतजाम करेंगे ताकि वो हरे भरे वृक्षों को ना काटे और अन्य उपयोग में जैसे गोबर है, कंडे हैं या सूखी लकड़ी है, इनके लिए हम किस तरीके से व्यवस्था करते हैं। देखिए, होली हमारे भारतवर्ष का सबसे परंपरागत हर्षोल्लास का त्यौहार है और वो पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। विदिशा में भी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली का पर्व बहुत ही ज़्यादा उल्लास, रंग और आपस में मिलजुल के एक दूसरे से गले मिलके मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये बात सही है कि होली के त्यौहार के साथ कुछ पर्यावरणीय समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जिसको लेके शासन से लेके सभी स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्याप्त है। जैसा कि आपने कहा कि होली में बच्चे और नासमझ लोग जो है हरे पेड़ काट के होली जलाने का प्रयास करते हैं। अव्वल तो ये बात हर स्तर से सामाजिक जागरूकता के चलते रोकी जानी बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही साथ जहाँ शासकीय कार्यालयों का विभागों का दायित्व है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए इस पर्यावरण को हो रहे नुकसान को प्रभावी कार्रवाई करके रोका जाना चाहिए। जैसा आपने बताया, उस संबंध में नगर पालिका और वन विभाग से जो मुद्दा इस के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके साथ बातचीत करके एक टास्क फोर्स बना के इस संबंध में हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे और सभी को हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से हरे भरे पेड़ों को ना काटा जाए, बल्कि इसके स्थान पर जो वैकल्पिक चीजें हैं, जैसे गोकाष्ठ आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, कंडे हैं, और इस तरीके उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता और आसानी से सुलभ भी है, तो इसका प्रयास करके हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ होली के मंडप लगाए जाते हैं वहाँ हरे भरे वृक्षों को या लकड़ी काट के जलाने के स्थान पे वैकल्पिक साधनों का